मजदूर वाणी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं बलकार रामगढ़िया स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करते हैं ट्विटर पर चल रहे ट्रेंड हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान की एक फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, जिसका बॉयकॉट ट्विटर पर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट के बाद बहुत सारी चर्चाएं इस फिल्म को लेकर चल रही हैं। कुछ पक्ष के लोग जो हैं वो इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं इसका बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। साथियों, मैं जब सोशल मीडिया देख रहा था तो मुझे भी इस बारे में बात करने के बिना रहा नहीं गया। आमिर खान की पहले भी फिल्में आ चुकी हैं, उनका भी बहुत डटकर विरोध हुआ था और उन्होंने अरबों करोड़ों रुपए कमाए हैं। जैसे दंगल फिल्म का विरोध किया गया तो उन्होंने चीन में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी। उसके बाद पीके फिल्म आई, पीके का भी डटकर विरोध किया गया, उसने भी बहुत सारी कमाई करी। लेकिन दुख इस बात का होता है जब किसी फिल्म को, किसी अदाकार को धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर बांट दिया जाता है। दुख इस बात का है कि इसको हिंदू मुस्लिम की रंगत दी जा रही है और साथ में सिखों को भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आमिर खान ने जो किरदार किया है वो एक सिख का किया है और उसके लिए उन्होंने कई सालों से मेहनत करी है। मेहनत करने के बाद अपनी असली दाढ़ी बनाई है और असली सिर के बाल उन्होंने रखे हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने अपने किरदार को एक रूप देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और अपने आप को इस किरदार के लिए परफेक्ट बनाया है। मैं अब बात करता हूँ जो लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने तो सरकार की और बीजेपी की चाटुकारिता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर उसकी फिल्म धाकड़ फ्लॉप क्यों हुई, उसकी फिल्म धाकड़ हिट क्यों नहीं हुई? उसका एक ही कारण है, क्योंकि फिल्म में दम नहीं था। तो इसीलिए कोई भी फिल्म फ्लॉप होती है तो वो धर्म और जाति के नाम पर फ्लॉप नहीं होती। अगर उसमें कंटेंट अच्छा नहीं है, बढ़िया किरदार नहीं है तो फिल्म फ्लॉप होगी। इसी तरह लाल सिंह चड्ढा में अगर आमिर खान का किरदार अच्छा है, उन्होंने अपने रोल को बड़े अच्छे तरीके से निभाया है तो फिल्म सुपरहिट होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो जिसको हम अंधभक्त कहते हैं, बिना सोचे समझे उन्होंने सिर्फ विरोध ही करना होता है। मुझे पूरी बात तो याद नहीं है, पिछली बार जब उन्होंने बॉयकॉट किया था किसी चीज़ का तो बॉयकॉट के स्पेलिंग भी सही नहीं थे। अब की बार कम से कम इतना तो है कि बॉयकॉट के जो स्पेलिंग है वो ठीक लिखी है उन्होंने। साथियों, फिल्म हिंदू मुस्लिम या सिख से नहीं होती, फिल्म से सैकड़े लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। उसमें हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, जैनी, बौद्धि, सब धर्म के लोग एक फिल्म का हिस्सा बनते हैं। इसलिए आमिर खान का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी फिल्म का विरोध करने का मतलब लाखों लोगों का रोजगार छीनना है। फिल्म अच्छी लगती है देखो, नहीं अच्छी लगती मत देखो, लेकिन अंधभक्त मत बनो। तर्क निकालो, सोचो, विचारो, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको समझो। कंगना रनौत ने बहुत सारे लोगों पर टिप्पणियां करी थी, बहुत मतलब सरकार के चाटुकारिता करते हुए इतनी लोगों के खिलाफ लिखा, लेकिन उसकी फिल्म फ्लॉप क्यों हुई? उसके साथ तो बहुत गिनती लोग खड़े थे, उसकी फिल्म तो हिट होनी चाहिए थी, जबकि उसकी फिल्म पहले ही दिन बहुत कम रुपए कमाए और अगले दिन 12 बजे के बाद जितने भी शो थे सिनेमाघरों को कैंसिल करने पड़े। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक दूसरे के दिखावे में, बहकावे में मत आए, अपने दिमाग से तर्क लें। फिल्म देखना नहीं देखना आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम सिख धर्म को मत घसीटें। धर्म सभी सत्कार जोगा, सभी धर्मों की इज्जत करना चाहिए, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रति सच्चे सुच्चे भक्त हैं, इसलिए धर्म को मत घसीटो। बिना मतलब के सुनी सुनाई बातों पर अफवाह मत फैलाओ और फिल्म देखना नहीं देखना आपकी मर्जी है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।